हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसवी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, डीएड वालों के लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, जिसका आप हाँ बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जो कि उसका जैसे ही आप मेरिट लिस्ट का आप कम से कम 10 से 15 दिन से वेट कर रहे थे, कब आएगी। तो उसका आपका वेट है वो भी खत्म हो चुका है। अब जो मेरिट लिस्ट है आ चुकी है फ्रेंड्स, आज ही यानी कि 17 जुलाई आज ही की डेट में डिक्लेयर कर दी गई है मेरिट लिस्ट। मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, या सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे डीआर से रिलेटेड हर न्यूज पाने के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक करना है, कॉमेंट करके बता दो, प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, एक जो कि हमारे चैनल पर ग्रुप स्टार्ट हुआ है बॉयज ग्रुप, और बॉयज के लिए अलग से ग्रुप बनाए गए व्हाट्सएप पर, और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप बनाए। आप प्लीज उस ग्रुप में ऐड हुई है, गर्ल्स वाले गर्ल्स ग्रुप में ऐड होना है, बॉयज के लिए बॉयज ग्रुप में ऐड होना है। इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट जो कि ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है अन्य जानकारी, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर आना है काउंसलिंग गतिविधियां। इस वाले स्टेप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ जाना, और जो वेबसाइट है इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज ही की डेट में ये नोटिस आया है, यहाँ पर नोटिस आया है फ्रेंड्स, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिए आप। प्रिंट फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर, फर्स्ट राउंड के लिए अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, और जो कि 17 जुलाई को आया है, और इसकी जो लास्ट डेट कितनी है फ्रेंड्स, 22 जुलाई। 22 जुलाई तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड वाले ध्यान से सुने, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस पर लिंक पर ओके करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ओके किया, यहाँ से नहीं होगा ओके। यहाँ पर आप थोड़ा सा राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको एक माउस का एक आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको ओके करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ओके किया, ओपन हो रही है वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, और जो कैप्चा है वो दिया गया है वो आपको डालना है, ठीक है। तो अब वो क्या डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डी से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं डी से। तो आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना उस टाइम पर जो पासवर्ड बनाया है यहाँ पर डाल दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर डालना है, और ये सब डालने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉग इन टू व्यू अलॉटमेंट, यहाँ पर आप ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ओके कर देना होगा। और एक बात और मैं बता दूं, जो आप बोल रहे थे जो फर्स्ट राउंड में क्या ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी वाले हैं, फर्स्ट राउंड में क्या आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड वाले जो अलॉटमेंट लेटर आए हैं उनमें जो जनरल कैटेगरी है उनमें ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट राउंड में नहीं दिया गया है। जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तब से ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आया है या नहीं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया गया है जनरल कैटेगरी वालों को। तो अब इसको हम इस पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ सब डाल देते हैं, और लॉग इन टू लुक करके देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है, लॉग इन करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा आपका, यहाँ पर जो मेरिट मार्क्स यानी कि आपकी जो मेरिट है कितने नंबर पर उठी है आपकी, 71, यानी कि इन कैंडिडेट का सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मुझे मेरे साथ शेयर किया, और उन्होंने इन वीडियो को बनाने में अपना एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड्स। और इनकी जो हुआ है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरिट लिस्ट यानी कि 71 मार्क्स से उठी है इनकी, और इसका जो कट ऑफ कैसे देखना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ कैसे, जो कि कंप्लीट वीडियो बना दूंगा पार्ट टू के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कितना कट ऑफ किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं देख लेते हैं हम पूरा, इसमें और कुछ नहीं है। एक बात और दिखा दूँ, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता है थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स अलॉटेड कॉलेज, इनको जो कॉलेज मिला है इस कॉलेज का नाम भी दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर इस साइड में आपको कॉलेज का नाम भी दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नीचे ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, सभी आवेदकों को निर्देश किया जाता है कि दिए गए विकल्प को ध्यान से पढ़ें, नीचे दो विकल्प दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, जो यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम देख लेते हैं नीचे क्या विकल्प दिए गए हैं। इसका एक अलग से मैंने एक कैंडिडेट का स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैं आपको इसके नीचे का जो कि बता देता हूँ, नीचे क्या आ रहा है इसके,
तो फ्रेंड देख पा रहे हैं नीचे का जो ऑप्शंस हैं, एक और एक दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इनको हम समझ लेते हैं पहले बहुत अच्छे से। मैं इस चरण में आवंटित संसदा में प्रवेश के लेने के लिए इच्छुक हैं, अगर आप इस पर टिक कर दोगे फर्स्ट राउंड पर इस पर, तो आपका इसका क्या मतलब है, इस विकल्प का चयन करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित संसदा में प्रवेश लेना ही अनिवार्य है। अगर आप इस जो आपका जो कॉलेज मिला है इसमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इस पर टिक कर देना होगा। ये उम्मीदवार अगले चरण की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। अगर आप इस पर ओके कर दोगे तो आप जो नेक्स्ट राउंड आएगा, नहीं सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आएगा, उसमें आप जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और इन छात्रों को अंतिम तिथि तक जो आपको कॉलेज अलाट हुआ है उसमें आपको जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाते हो तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप समझ लेते हैं। मैं इस चरण की आवंटित संसदा में प्रवेश ना लेते हुए अगले चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है या चाहती हूँ। अगर आपने जो कॉलेज अलॉट जो आपने कॉलेज चॉइस किए थे उनमें से अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कोई और दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आप इस पर ओके करके जो आपको कॉलेज मिला है आप इसमें जो कि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं, तो आप इस पर ओके कर देना है। और आप नेक्स्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आएगा तो आप जो कि उन राउंडों में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उन कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस फर्स्ट राउंड में ओके कर दिया। अगर आप इस पर ओके कर दोगे, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना है, अगर आप इस पर ओके कर दोगे तो आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको ओके कर देना होगा फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। और इसके बाद में बीयू अलॉटमेंट लेटर पर ओके करना है। तो इसके बाद में जो लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉक हो जाएगा, फिर आप इसे अनलॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आप देख लेते हैं अलॉटमेंट लेटर ओके करने के बाद में क्या आता है नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज यार लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बता दीजिए आप कैसा लग रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये है एक कैंडिडेट का जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको हमें जूम कर लेता हूँ जिससे आपको क्या है क्लियर सबको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स तो ये है पूरा पूरा, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे क्या है इस कैंडिडेट की प्राइवेसी जो कि हैक ना हो पाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो लॉक कर दोगे ना व्यू अलॉटमेंट लेटर के बाद में आप लॉक कर दोगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका नेम दिया गया, फादर्स नेम, किस कैटेगरी से हो और आपकी मेरिट लिस्ट कैसे गई है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। 71 मार्क्स पर उठी है आपकी जो इनकी जो मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर वेरीफाई है, 12th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वेरीफाई है। इसके बाद में आपकी जो कैटेगरी वगैरह यहाँ पर सब दिया गया है, किस ग्रुप से है, साइंस मैथ एंड साइंस ग्रुप से। ओके अब यहाँ पर समझने वाली बात है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी जो कि आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, अलॉटेड यानी कि ये इस कॉलेज में भाग लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जल्दी से जल्द कॉलेज में एडमिशन ले लें इस कॉलेज में। ओके फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वो हम देख लेते हैं। और पहले तो ये समझ लीजिए अलॉटेड यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो उनका हो गया है मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इनका जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में मेरिट में नाम आ चुका है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर और समझ लेते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलॉटमेंट स्टेटस, यहाँ पर इनका जो कॉलेज है वो कॉलेज कौन सा मिला है वो यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। फ्रेंड्स सबको समझ में आ गया होगा, जो भी आज जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ये बारकोड दिखाई देगा, इसको स्कैन करके आप अपना पूरा डाटा स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि डेट ऑफ लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट 17 जुलाई, और किस टाइम पर जो कि प्रिंट लिया गया है वो यहाँ पर टाइम दिया गया है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा आपको ये सब कुछ। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि किस किस का हो गया है फर्स्ट राउंड में, अलॉटमेंट लेटर में किस किस का फर्स्ट राउंड में आ गया है। तो और जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना अपना, प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए और उनसे रिक्वेस्ट करना बॉयज वाले बॉयज में ही वो ऐड होना है, गर्ल्स वालों को गर्ल्स में ही ऐड होना है। तो प्लीज ऐड हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इस वेबसाइट पर कैसे आना है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लीज ऐड हुए हैं और जिनका हो गया है उनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत, और इन्होंने जो मुझे सेंड किया है, इन्हें जिससे मैं वीडियो बना चुका हूँ बना पाया हूँ, उनको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय।